अदालत के फैसले के बाद इंदिरा गांधी को जब 1975 में अयोग्य घोषित किया गया तो इसका नतीजा यही हुआ कि देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। करीब 2 साल देश में आपातकाल ही रहा, नेता गिरफ्तार हुए, हंगामा हुआ और तमाम बातें हुई। और इन्हीं 2 साल में एक चीज और हुई जिसने खौफ पैदा किया, वो थी नसबंदी। हर किसी को मालूम था कि इमरजेंसी के वक्त पूरी पावर संजय गांधी के पास थी, नसबंदी भी उन्हीं का प्लान था और इसी ने कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए माहौल बिगाड़ दिया। और इसी माहौल की वजह से ताकतवर संजय गांधी अपना पहला ही चुनाव हार गए और उनके साथ उनकी मां इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गईं। लोकसभा चुनाव के माहौल में आपके लिए चुनावी किस्से में आज बात अमेठी की करते हैं, जहां रिश्ता गांधी परिवार से बना रहा, जो ऐसा बना कि पिछले 3-4 दशकों में इस रिश्ते की बात होती ही है और मान लिया जाता है कि ये सीट गांधी परिवार की ही है। 1977 में जब चीजें लगातार बिखर रही थी और इंदिरा गांधी को दिख रहा था कि अब काफी कुछ गलत हो गया है, तब संजय गांधी उन्हें बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन इंदिरा ने फोन नहीं उठाया था। वो बताना चाहते थे कि वो भी इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी माँ की बगल की सीट यानी अमेठी से पर्चा भी भर रहे हैं। संजय गांधी जब अपनी पत्नी मेनका गांधी के साथ पहली बार अमेठी में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे तो लोगों ने उनका खूब स्वागत किया, लेकिन एक जगह महिलाओं के ग्रुप ने चिल्लाकर कहा कि आपने हमें विधवा बना दिया है। ये वो महिलाएं थी जिनके पति संजय गांधी की चलाई गई नसबंदी की मुहिम के शिकार बने थे। चुनाव के कुछ दिन बाद जब नतीजे आ रहे थे तो प्रधानमंत्री आवास पर गजब का सन्नाटा था। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी समेत अन्य सभी लोग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, तभी आर के धवन आए चुनाव का नतीजा बताने के लिए। संजय गांधी चुनाव हार गए थे, इंदिरा भी हार की ओर बढ़ रही थी। अमेठी के साथ ये गांधी परिवार का पहला रिश्ता था जो हार से शुरू हुआ था। 1977 में जनता पार्टी की लहर के बीच कांग्रेस का हर बड़ा चेहरा हारा था। रविंद्र प्रताप सिंह ने संजय गांधी को 75,000 वोटों से हराया था। 1977 से जो रिश्ता शुरू हुआ वो लगातार बना रहा। 1980 में फिर से चुनाव हुए, अब की बार संजय गांधी जीत गए और सांसद भी बन गए, लेकिन कुछ वक्त बाद उनकी मौत हो गई और 1981 में उपचुनाव हुआ, राजीव गांधी अपने भाई की सीट से सांसद बन गए। संजय गांधी की मौत की वजह से ही राजीव गांधी को राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि अभी तक इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी संजय ही थे, लेकिन अब किरदार बदल गया था। राजीव जब तक रहे अमेठी के सांसद रहे, लेकिन 1991 में यह रिश्ता फिर से टूटा, क्योंकि अब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद सोनिया ने राजनीति में आने से इनकार कर दिया था। 8 साल के बाद जब साल 1999 में पहली बार सोनिया गांधी कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई, तब उन्होंने अपने पति की राजनीतिक सीट को ही चुना। इस तरह जो सिलसिला संजय गांधी ने शुरू किया था वो आगे बढ़कर राजीव और फिर सोनिया से होता हुआ साल 2004 में राहुल गांधी तक पहुंचा। कांग्रेस अपना नया उत्तराधिकारी तराश रही थी, राहुल को राजनीति में आना पड़ा और संघर्ष अमेठी से ही शुरू हुआ। 2004, 2009 और फिर 2014 राहुल गांधी और अमेठी का साथ बना रहा, लेकिन 2019 में यहां एक नया किरदार जीता जो स्मृति ईरानी थी। राहुल पहले अपने पिता फिर माता के साथ अमेठी जाया करते थे, उन्होंने बचपन में अमेठी को देखा था, वहां के लोगों के साथ भी उनका एक रिश्ता बना हुआ था। ऐसे में जब कांग्रेस ने राहुल को चुनावी मैदान में उतारा तो अमेठी को इसलिए ही चुना क्योंकि यह रिश्ता कई दशकों कई पीढ़ियों से बना हुआ था। कांग्रेस अभी जिस संघर्ष के दौर से गुजर रही है उस वक्त ये उसके लिए भी जरूरी है कि वो अपनी उन सीटों को फिर याद करती रहे जो मुश्किल वक्त में उसके साथ थी और जिनसे एक रिश्ता बना हुआ था। गांधी परिवार और अमेठी लोकसभा सीट के किस्से में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।